हां जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर पे। और ये क्लिप्स है उस दिन की जिस दिन हम सोलन से आए थे। तो ये बीच में पड़ता है जी सबाठू। तो सबाठू में हाथी की ये लगी हुई है, तो मूर्ति मूर्ति कुछ भी बोलो। तो मैंने सोचा चलो इसको आपको दिखा दूं। मतलब गाड़ी से दिख नहीं रही थी उतनी अच्छी, ये वो आर्मी एरिया जो है ना वहां पे। तो चलिए आज मैं आपको एक शाही ढाबे पे ले चलूंगी। मतलब अपने ढाबे पे शाही खाना खाएंगे, तंदूरी फुलका, उत्तराखंड के तंदूरी फुलका बनाने वाले। तो चलिए वीडियो देखिएगा पूरा ध्यान से। गंबर, तो अभी हम वापस आ गए हैं और गंबरपुर के पास हम रुके हैं। और मैं वो गिफ्ट दिया है पुष्पा ने, उसको देख रही थी, रोहित के पास दिया, नेचुरल देसी ब्लॉग चैनल वालों ने, तो उसको देख रही थी और मैं सो गई थी। इधर पर उठी हमें लगी भूख बहुत ज्यादा। तो पार तो यहाँ थोड़ी धूप है और भाई सारे एरिया में कहीं भी धूप नहीं थी, कहीं भी धूप नहीं थी। परे सबाठू से आगे सोलन तक इतनी ठंड थी ना। चलो अभी हम गंबर पुल में रुके हैं, हमने खाना है खाना। चलो आपको भी दिखाते हैं क्या क्या खाने जा रहे हैं हम आज, ठीक है? भूख भी मर गई है। भूख का टाइम क्या टाइम हुआ जी? 3 बज रहे हैं। हम खाना तो खाना पड़ेगा, बहुत लगी है। सुबह भी खिचड़ी खाई थी, उसने सारा काम खराब कर दिया। चलो ढाबा तंदूर है जी। क्या बात है, ऐसे बनती है तंदूर में रोटी? बना रहे हैं आप? बनाओ मेरे सामने। वो कहाँ चले गए? ये देखो आपको तंदूरी रोटी सिखाते हैं आज। देखो तंदूरी रोटी देखो। अच्छा ये नॉर्मली आटा है, गेहूं का जो होता है। ये देखिए चिप गया, अरे वाह। ये देखिए ये काटी क्यों? काट के देते हैं। अच्छा काट के देते हैं। ओ गुड। और ये तेल लगा रहे हैं इसमें ताकि ये चिपक जाए। बहुत अच्छे। नहीं ये हर किसी से नहीं, हाथों में वो नहीं लगती, हर किसी से नहीं बनेगी है ना। और बना दो, एक और बना दो। कितने बनती है एक टाइम पे, कितनी बनती है? 25-30 बन जाती है। गर्म है, बाहर से भी गर्म है ना। छोटे भी होते होंगे तंदूर है ना, छोटे भी होते होने है ना। इसके ऊपर रखने, अरे वाह। वो तैयार हो गई साइड, ये देखिए वाकई में है ना। फिर पल पल पलटते भी है? अच्छा अच्छा हाँ पकी हुई है, एक ही साइड से वो करते हैं ना। शेफ साहब की ले रही हूँ मैं,
यूट्यूब पे जाएंगे। सैफ साहब कहाँ से आप? वैसे बेसिकली उत्तराखंड। उत्तराखंड से काफी सारे लोग हैं मेरे देखने वाले उत्तराखंड से। ये क्या है? ये क्यों लिया आपने? ये सरिया, इसी से रोटी नान निकालेगा। नान रोटी नान सब कुछ निकालेगा। आप एक्सपर्ट इन चीजों के है ना? वैसे ऐसे निकालने का ये तरीका, नहीं तो हाथ जल जाता तो हम रनिंग में हाथ से ही निकाल देते। वैसे निकाल और भी है कोई तरीका? नहीं, ये तरीका। ये भाई उत्तराखंड से हैं, और जितने भी लोग उत्तराखंड से मुझे देखते हैं, देखिए आपके यहाँ भी हमारे भी बनाते हैं। हिमाचल में कोई होगा तंदूरी रोटी बनाने? अच्छा बनाते हैं ना। वो कहाँ चले गए? अच्छा वो यहाँ बैठे हुए, मैं इनको देख रही हूँ कहाँ चले गए। हाँ तो सर देख रहे बोले कहीं चले गए ये जी, यहाँ बैठे हुए हैं। चलो ये ढाबा है जी गंबरपुर में, खाते हैं खाना फिर आपको बोलेंगे, आएंगे कभी तो यहाँ जरूर खाना खाना आप लोग भी। हमारा खाने में बना है ये चावल दाल, ये है सलाद और ये अचार। आज हम खाएंगे तंदूरी फुल्का। हेलो, काफी अच्छा यहाँ का जो डेकोरेशन और मतलब होता ही है ना एक कि किस तरह से खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे इनका। भैया एक और छाबी लेके आ गए रोटी। ये देखो बहुत टेस्टी होती है तंदूरी रोटी, नहीं आज मैंने पहली बार देखी बनाते हुए, शायद खाई तो थी पर बनाते हुए पहली बार देखी। आज आप लोग भी कर लो, लंच चेक की डिनर 3 बज गए हैं, 3:30 हो रहे हैं। मैं ना चम्मच से कभी नहीं खाती खाना, मेरा पेट नहीं भरता चम्मच से, मैं हाथ से खाना खाती हूँ। होटल पे जाती हूँ चाहे कहीं भी जाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। बाद में करते हैं बात आपसे। खाली हमने खाना बहुत अच्छा खाना बनाया था भैया ने, रोटी तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी। ये देखो बहुत अच्छा, यूट्यूब पे डालूंगी मैं वीडियो। हाँ तो बहुत अच्छी मज़ा आ गया खाना खाने का। तो ऐसा होता है जहाँ पे अच्छी चीज़ बनती है वहाँ पे अच्छा ही बोला जाता है किसी की भी बात हो। हमने तो पैसे देने, हमने कौन सा मुफ्त खा रही, लेकिन जहाँ पे नहीं होती है चीज़ वहाँ तो गुस्सा आता है कि बहुत अच्छा खाना बनाया था। आप लोग कभी इस साइड आइएगा तो यहाँ पे खाना ज़रूर खा के जाइएगा। ये गंबरपुर के पास ये जगह है, गंबरपुर है ना? हाँ गंबरपुर। अर्बन ढाबा, देखो मेरा ऐसे, ये मेरे से पैसे लेंगे पर
मैं फ्री में प्रमोशन नहीं कर रही उनके ढाबे की ऐसे लेकिन अच्छा खाना बनाते हैं। आप कभी भी इस साइड आइएगा, कोई भी। सुबाटू से कितने किलोमीटर है यहाँ पे भाई? सुबाटू से आगे 8 किलोमीटर और कुनिहार से पीछे पड़ता है थोड़ी सी ये जगह। खाना जरूर खा के जाइएगा इस साइड से कभी आएगा। अभी हम पी रहे हैं चाय, खाना खाने को। और पता है कड़ी कड़ी उल्टियाँ वो लग गई, बहुत टाइम बहुत हो चुका है ना, तो अभी हम पी लेते हैं चाय। चाय बहुत सुंदर लग रही है ना, जैसे बोलती क्यों नहीं है ना। सलाम है कलाकारी की। आप तो बस अभी हम चल पड़े हैं और अभी बस अब नहीं रुकना कहीं नहीं। अब कुनिहार देखते हैं, थोड़ी देर रुकना, थोड़ा सा सामान लेना अगर हो सका तो। बेकरी की शॉप चाबी भूल गए तो चलो बैठते हैं और चलते हैं घर को। और मुझे ना एक गिफ्ट दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं कुनिहार। फिर पाना तेल अच्छा। और यहाँ ना रितु का पेट्रोल पंप के सामने बोल रही थी कि वो सीत ढाबे के सामने रितु डोगरा करके एक रितु डोगरा ही थी, मुझे ध्यान नहीं है। कुनिहार पहुंचे थोड़ा सामान लेना था, मतलब कुछ लेना चीज देखो मोजरेला चीज। अरे तू का घर कहाँ है? यहाँ पे मेरे यहाँ से बहुत सारे वीडियो देखने वाले हैं, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ बताया था रितु ने कहीं घर अपना शॉप ही बोली थी उसने, पता नहीं मुझे कहाँ जैसे बोला था उसने। अरे तो मैं जा रही हूँ अभी, फिर कभी आऊंगी, आज लेट होगी, बहुत टाइम हो गया ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है झांझी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको झांझी कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है झांझी वालों की। ये देखो, ये देखो, ये देखो झांझी कॉम्प्लेक्स। चलो भाई ये सुनियार का मैं फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। चुके घनागु घाट और मैं इसको बार बार देख रही हूँ तो फिर कितनी खुशी हो रही है मेरे को, कसम से बहुत खुशी होती है, जाहिर नहीं कर सकती मैं अपनी ये खुशी, इतनी ज्यादा खुशी है मेरे मन में। और सारी सारे रास्ते में ही सोचती है ना, आप लोगों के कमेंट्स आंखों में घूम रहे थे, दिमाग में घूम रहे थे कि ये सब नहीं हो पाता अगर आप लोग मेरा साथ ना देते, आप लोग सब्सक्राइब ना करते चैनल को, ये कैसे आता, बहुत बड़ा वर्ड होता है ये। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे,
मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को, मैंने तो खुदा माना, याद करे